अस्सलाम वालेकुम, मैं दोबारा से गुलाम अहमद आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। हम दोबारा से वही चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, बीएससी का कोर्स कर रहे थे हम, पेपर ए। ठीक है, तो हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, हाउ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड डिफाइन एंड एक्सप्लेन वेक्टर प्रोडक्ट इन डिटेल। तो पिछले लेक्चर्स का मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू देना चाहूँगा कि पिछले वेक्टर्स में भी हमने यही पढ़ा था कि हम किस तरह दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो हमारे पास होता है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है वेक्टर प्रोडक्ट। रिमेंबर, ये मैंने बताया था। फिर हमने स्केलर प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छी तरह से रीड किया, इसकी करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा। ठीक है, हमने बताया कि जब हम किसी भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, स्केलर प्रोडक्ट बनता है। इट्स मीन उसका जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी के अंदर आएगा। बट आज हमने ये पढ़ना है कि हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये क्या चीज़ होता है, आज हमने इसको डिटेल के साथ पढ़ना है। मैंने लास्ट वीडियो के लेक्चर में ये बताया था कि हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट को बाद में तसल्ली के साथ पढ़ेंगे अच्छी तरह से, अभी हम स्केलर को रीड आउट करेंगे। तो वेक्टर क्या है, कि वेक्टर भी सेम वही चीज़ कि अगर हम टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट बनता है या क्रॉस प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, क्रॉस प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, या हमारे पास क्या बनेगा, क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा। तो इसके अंदर इस मीन क्या है कि हमारे पास जब हम वेक्टर्स को, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। ठीक है, ये तो था बेसिक थोड़ा सा इंट्रो जो कि हमने लेक्चर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। तो अब हम इसको आगे मज़ीद चलते हैं लेकर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ा था, प्रोजेक्शंस का पढ़ा था, सेम वही चीज़ कि हमने क्या किया कि हमने वेक्टर लिए, ठीक है, ए और बी, इसका इस तरह क्या बना था, प्रोजेक्शंस बनाया था लेक्चर नंबर 4 के अंदर। ठीक है, ये चीज़ हमने की थी। अब हमने इसको किसके थ्रू करना है, हमने करना है वेक्टर प्रोडक्ट के थ्रू। किसके अंदर, वेक्टर प्रोडक्ट के थ्रू। ये लें जी, वेक्टर प्रोडक्ट के थ्रू हमने करना है। तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स और दोबारा बता रहा हूँ, माइंड में रखिएगा कि जब भी हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्या करेंगे, या आर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारे पास इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो किस में आएगा, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आएगा। इसके अंदर वही हमने प्रोजेक्शन पहले की थी, हमने की थी ए डॉट बी। अब हम इसको किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, दो वेक्टर्स ले रहे हैं, इसको हम क्रॉस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और जब हम क्रॉस को ख़त्म करते हैं, आप लोगों को पता है कि हम क्या करते हैं, ये तो मैग्नीट्यूड एक आ गई, देन बी हमारे पास की मैग्नीट्यूड, देन हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा। वेरी गुड, क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास क्या आएगा, एन। एन किस चीज़ को शो करता है, यूनिट वेक्टर को, किसको करता है, यूनिट वेक्टर को। ठीक है, ये था हमारे पास इसका फार्मूला। और इसी के साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड रूल। क्या यूज़ करते हैं, राइट हैंड रूल। जी, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर हम तो राइट हैंड रूल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, हमने इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा था, तो यहाँ पे हम लोग क्यों करेंगे, यहाँ पे इसका क्या काम है, जबकि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, ये मैथमेटिकल पोर्शन है। तो बच्चे, हम यहाँ पे
जो राइट हैंड रूल है वो लाजमी रीड आउट करेंगे, उसका इस्तेमाल भी करेंगे। उसके अंदर हमें ये बताया जाएगा कि हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं। हमने बोला कि जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर हमारे पास वो होता है जो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रोवाइड करे, उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। इट्स मीन कि जब हम यहाँ पे दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, बाय हेड टू टेल रूल, हम क्या करेंगे कि दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, उनके हम टेल्स को मिला देते हैं। क्या कहते हैं, टेल्स को मिलाएंगे। और जब हम इनके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर जब हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बताएगा कि हमारे पास जो डायरेक्शन है ये हम फर्स्ट कर लो, ठीक है। जब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे इस तरह राइट हैंड रूल, तो क्या है कि हमारे पास A2, इसको A का नाम दे लो, इसको आप B का नाम दे लो, कि A से B की तरफ क्या हो गई, मूव करेगा। जब A से 2 की तरफ मूव करेगा विद स्मॉल एंगल, किसके विद स्मॉल एंगल। और जो हमारे पास क्या होगा, थंब होगा, वो किस चीज़ को शो करेगा, हमारे पास A क्रॉस जो B है इसकी डायरेक्शन को। थंब किसको डिनोट करेगा, ये थंब शो किसको करेगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को। और फिंगर्स जो है ये मूव करवाएंगी ए टू बी विद स्मॉल एंगल। ये था राइट हैंड रूल। और इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसकी वो एक्सप्लेनेशन बहुत सही के साथ आपकी बुक के अंदर, क्लेम अख्तर वाली बुक के अंदर दी हुई है। मैं आपको बुक दिखा देता हूँ, ये वाली क्लेम अख्तर की बुक है जो हम स्टार्ट में मैंने आपको दिखाई थी। हर वीडियो में दिखा रहा हूँ, अब इससे अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो के अंदर सेटिंग में मैं नहीं दिखा सका, तो ये वाली बुक से हम इसको क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर आपको तो सलीक साल इसकी थ्योरी मिल जाएगी, वो आप रीड खुद करोगे, मैं जो थ्योरी है वो रीड नहीं करूँगा। विनो के स्टूडेंट्स पढ़ लेते हो और आप इस लेवल पे हो बीएससी के, आप अच्छी तरह से इसको पढ़कर अंडरस्टैंड कर सकते हो। मैथमेटिकल पोर्शन के अंदर अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो हम वही करेंगे। ये तो था राइट हैंड रूल, क्या था हमारे पास, राइट हैंड रूल। क्या हुआ बच्चे, राइट हैंड रूल हो गया। अब इसके अंदर अब यहाँ पे हमने क्या करना है, राइट हैंड रूल, ये हमारे पास क्या हुआ, राइट हैंड रूल हो गया। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसकी एक दो एग्जांपल्स करते हैं, फिर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर चलेंगे, ठीक है। अब इसकी हम क्या करते हैं, एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल यहाँ पे क्या है, एग्जांपल सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल जो है वो टॉर्क की है हमारे पास, किसकी है, टॉर्क की। टॉर्क में क्या होता है कि हमारे पास ये टॉर्क है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास पोजीशन वेक्टर हमारे पास एक तो हो गया, एक पोजीशन, और दूसरा क्रॉस किसके साथ आएगा हमारे पास, फोर्स के, ठीक है। अब जब हम ये करते हैं तो क्या आएगा, साथ में साइन थीटा, इसका कोई ना कोई यूनिट वेक्टर भी साथ आएगा, उसको हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। इसी तरह ये तो थी हमारे पास टॉर्क की एग्जांपल। इसी तरह अगर आप चले जाओ उसके अंदर, टॉर्क यहाँ पे आप बोलोगे कि टॉर्क क्यों, तो टॉर्क में देखो कि जब आप अप्लाई करते हो किसी भी मतलब के दरवाज़ा खोलने के लिए, तो उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हो दरवाज़ा खोलने, ठीक है, फोर्स करो ये दरवाज़ा उसको खोलने के लिए, आप उसके जब हुक को पकड़ोगे खोलने के लिए, उसके ऊपर आप एंगल बनेगा कोई ना कोई, और आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है। और फोर्स जिस तरफ अप्लाई करोगे वो क्या होगा, आपके पास डायरेक्शंस होगी, यूनिट वेक्टर्स होगा, ठीक है, ये टॉर्क थी। अब दूसरी एग्जांपल जो हमारे पास है वो है लीनियर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर की, इसकी है लीनियर मोमेंटम की, लीनियर मोमेंटम क्या होगी, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, हम उसको एल के साथ डिनोट करते हैं, कैपिटल एल है, ये रेंजी में सिंपल लिख रहा हूँ एल। देन क्या है कि हमारे पास क्रॉस क्या आएगा, पी। अब क्या है हमारे पास कि ये चीज़ आ गई, जब हम क्रॉस को ख़त्म करेंगे यू नो कि हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा, साथ में क्या आएगा, यूनिट वेक्टर। ये थी हमारे पास एग्जांपल, किसकी थी, वेक्टर प्रोडक्ट की। ले जी, अब हम चलते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ।
किसकी तरफ चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कहता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या है, नॉन कॉम्यूटेटिव है। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कॉम्यूटेटिव। कैसे, हम वही जो हमने पहले अप्लाई किया था, क्या आएगा ए क्रॉस बी, क्या है हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, तो हम क्या करेंगे कि ए देन क्या है बी, क्या आएगा साइन थीटा, साथ में हमारे पास यूनिट वेक्टर। एक तो ये, अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं डायरेक्शन को चेंज करते हैं, मतलब कि बी क्रॉस ए करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगी माइनस आएगी। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम जब भी डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो उसके साथ हमारे पास क्या सिंबल आएगी, माइनस की आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास बी ए एंड साइन थीटा, साथ में क्या आएगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इट्स मीन ये क्या होगा ए क्रॉस बी, जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा ए सॉरी बी क्रॉस ए, साथ में क्या माइनस, जब इस दोनों की क्या होगी चेंज होगी, इट्स मीन हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कॉम्यूटेटिव, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है नहीं होती जी। इसी तरह अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स 2 के अंदर। 2 क्या है हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर, क्या है परपेंडिकुलर्स। ठीक है, ये था। अब इसके अंदर हमने क्या किया कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जो सिमिलरली, जैसे हमने स्केलर के अंदर किया ए और बी, दो क्या है वेक्टर है, एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा सेम वही चीज़, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, क्या आएगा साइन थीटा, साथ में यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो क्या आया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एंड बी, एंगल क्या बना 90 डिग्री का, साथ में यूनिट वेक्टर। यू नो कि एंगल 90 डिग्री का हमारे पास, साइन 90 हमारे पास इक्वल किसके होता है 1 के। ठीक है, तो ये क्या बना ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, साथ ये 1 के इक्वल आ गया। इसी तरह सिमिलरली अगर हम कर देते हैं बी क्रॉस ए, देन क्या होगा हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बस ये इसके साथ माइनस आ जाएगी, बाकी सेम रहेगा। इसी तरह हम लोग अब चलते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्या कहती है, वो कहती है कि ये हमारे पास क्या है पैरेलल है, क्या है पैरेलल है। तो जब पैरेलल होंगे, क्या होंगे जब पैरेलल होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, पैरल क्या यही चीज। ठीक है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दो वेक्टर पैरल, और इनका अंदर जो हमारे पास एंगल बनेगा वो क्या बनेगा जीरो को बनेगा। तो साइन जीरो हमारे पास इक्वल किसके होता है जीरो के होता है। तो जब मैं यहाँ पे जीरो पुट करूँगा, इट्स मीन कि हमारे पास जो ये है ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं देन भी हमारे पास ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये थी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पैरेलल। अब हम लोग चलते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फिफ्थ के अंदर। उसके अंदर क्या था कि इसका सेल्फ प्रोडक्ट करना है, हमने क्या करना है, सेल्फ प्रोडक्ट करना है। सेल्फ प्रोडक्ट मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट के अंदर अच्छी तरह बताया कि सेल्फ प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, के मतलब कि एक ही वेक्टर को उसको उसी के साथ हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। सेल्फ प्रोडक्ट क्या होगा जी, ए क्रॉस क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ए की मैग्नीट्यूड, फिर ए की मैग्नीट्यूड, ठीक है, साथ में क्या आएगा, साइन थीटा और यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस ए सिमिलर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, ए का स्केल साइन थीटा साथ में यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, कट आउट होके इसका जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, जीरो का बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। ये था हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट। मतलब कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर एक ही वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाएंगे उसी के साथ, तो हमारे पास जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब कि एक ही किस्म के वेक्टर को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सेल्फ प्रोडक्ट हम नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं छठी के अंदर। छठी में क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स। वो आप लोग खुद करोगे, कंपोनेंट्स जो मैंने बताए थे आप लोगों को सिक्स में क्या था कि क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स लेंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स जो थे वो आप लोग खुद करोगे, ठीक है। इनको सिंपल आपने क्या करना है, पहले ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई करवा देना है आपने, फिर बी क्रॉस ए करवा देना, ठीक है। गाइडलाइन के लिए आपके पास इसकी जो है बुक के ऊपर ये सॉल्व किया हुआ है, लेकिन ये आप लोग ट्राई करिएगा, खुद करिएगा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देन हम चलते हैं लास्ट वन जो है वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है हमारे पास, वो आप देखते हैं। पैरेललोग्राम कैसी होती है, एक तो ये चीज़, ठीक है, देन हमारे पास ये, इसको हम म्यूचुअली इस तरह वर्क करवाते हैं, फिर ये जो होती है ये हमारे पास होती है पैरेललोग्राम। इसका जो एंगल बनेगा वो थीटा, यहाँ पे हमारे पास ए और यहाँ पे क्या आएगा, बी, ठीक हो गया जी। अब इनको जब हम क्रॉस करवाते हैं, एरिया पैरेललोग्राम करवाते हैं, तो हम क्या कहेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या होगा हमारे पास, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मड विद ए एंड बी एंड टू एडजेसेंट साइड्स। अब क्या कह रहा है कि हमारे पास जो हाफ होता है, मतलब कि ये और ये, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2, ये किसको होता है, ट्राइंगल के इक्वल होता है, किसको होता है, ट्राइंगल के इक्वल होता है, और इसकी दोनों साइडें हमारे पास क्या होती हैं, और बी की इक्वल होती है। तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 1/2 ए क्रॉस बी, ये है हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, ठीक है, और हमने ये देखा कि दो इसके मेथड होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट,
और वेक्टर प्रोडक्ट को पहले हमने स्केलर प्रोडक्ट किया क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, लेक्चर 4 के अंदर, देन फिर हमने इसके अंदर अब किया वेक्टर प्रोडक्ट डिटेल के साथ कि वेक्टर प्रोडक्ट को हम कैसे करते हैं और उसको मल्टीप्लाई कैसे तरह करवाते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें क्या कहती हैं। देन जी ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आज का कंप्लीट हुआ। समझ नहीं लगी किसी पॉइंट की तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको इंशाल्लाह उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह आपको मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और अच्छी तरह से पढ़ें।